अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ लफ्ज गालीचा कैसे बना और इसके पीछे बहुत दिलचस्प कहानी सुनने को मिलेगी आपको। बिल्कुल सच्ची बात है, जो कुछ कहूँगा वो पूरी दलील के साथ है और आप भी यकीन कर लेंगे। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। आज ही एक सवाल आया था, एक साहब ने कहा गालीचा किसे कहते हैं। बहुत आम सा सवाल है, आपने थंबनेल देखा होगा और आपने ये सोचा होगा इसमें क्या जानना है, ये गालीचा है तो ये गालीचा जिसको बिछाते हैं काम हो गया। नहीं, काम नहीं हुआ, क्योंकि अब इसके बारे में जब हम जानेंगे ना तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत कुछ नई बातें हमारे सामने आएंगी। ये गालीचा है क्या चीज़, तो गालीचा को थोड़ी देर के लिए भूल जाए, हम लोग आते हैं कालीन की तरफ। अब यहाँ देखिए, कालीन लफ्ज के बारे में पहले हम लोग बात कर रहे हैं, तो कालीन की निस्बत काकेशिया के शहर कलिकला से है। कलिकला एक शहर है, वहीं से है। इस ऊनी दबीज फर्श को कलिकला की निस्बत से फर्श काली कहा जाता है। यानी कलिकला इतना खूबसूरत लफ्ज है कि इतना खूबसूरत शहर है कि वहां का जो फर्श है ना, उस फर्श को क्या कहा जाता है, फर्श काली। अब फर्श काली कहते हैं, तो फर्श काली यानी काली का फर्श। अब ये काली का जो मानी है, वो काली का मतलब वही है जिसको हम लोग कालीन कहते हैं, यानी वहां कालीन बिछी हुई हो हर तरफ, तो ये कालीन का मतलब हुआ। ये कलिकला से आया हुआ ये लफ्ज है, काली, काली को ही कालीन कहा गया। अब ये काली जो आगे गया तो कालीन कैसे बना, तो जिस तरह से यहां देख लें कि संग से संगीन बन जाता है, गम से गमगीन बन जाता है, इसी तरह काली से क्या हो गया, कालीन बन गया, कालीन। अब ये कालीन इस्तेमाल होने लगा, यानी वो फर्श जो बहुत मुलायम हो, तो हमारे घर में जो कालीन इस्तेमाल होता है, इस्तेमाल में है, वो भी तो बहुत मुलायम है, इसलिए उसे भी कालीन कहा जाने लगा। अब कालीन के बारे में देखें, अगर हम बात करते हैं आका की, के अरबी में आका है, तो इसको फारसी में क्या कहते हैं, तो इसको बदल के लोग क्या कहते हैं, आगा, आगा। तो काफ को, यानी अरबी में जो काफ है उसको बदल के फारसी में गैन कर दिया जाता है, जैसे आका ना होकर आगा। अब यहां देखें कि अगर कालीन की बात करें तो इस कालीन के काफ को बदल दिया गया तो क्या हो गया, गैन, तो कालीन ना होकर गालीन हो गया, गालीन। अब गालीन की नून को हटाएंगे, जैसे संग से संगीन बना था, नून को हटाएंगे तो क्या हो गया, गाली, पहले क्या था, काली, बाद में हो गया गाली। ये मतलब जो क्या कहते हैं फारसी में क्या हो गया, गाली। तो गाली लफ्ज इस्तेमाल में आने लगा। अब जब इसका इसमें मुसग्गर बनाया गया तो दर से दरीचा, बाग से बागीचा, तो इसी तरह उस गाली से क्या बना, गलीचा, गालीचा, गालीचा बन गया। अब आपके जहन में बात होगी जो पहले मुझे कह देनी चाहिए कि कालीन से कालीचा क्यों नहीं है, गालीचा क्यों है, तो इसलिए है कि एक हर्फ इधर से उधर हो गया है, एक दूसरी जबान से अलग अलग हो गया है। हो सकता था कालीन को कालीन कह के ना कह के गालीन भी कहा जा सकता था, लेकिन राज हो गया, कालीन राज हो गया, तो राज हो गया तो लोग कालीन ही कहने लगे। लेकिन ये जो गालीचा हुआ तो ये इसलिए हुआ कि ये मुसग्गर हो गया। अब गालीचा जो होता है वो कालीन जितना बड़ा नहीं होता है, वो छोटा होता है, तो जब वो छोटा होता है तो इसको एक गाली मतलब कालीचा ना कह के इसको गालीचा कहने लगे, मतलब बिल्कुल वही है, कालीन का छोटा रूप, कालीन का इसमें मुसग्गर गालीचा है, कालीचा ना होकर गालीचा है। उम्मीद है आपने समझ लिया होगा। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज।